दिवाली की छुट्टियों के पहले धनिया और पुदीना की स्कूल में टीचर ने बोला कि एक शायरी सेशन रखते हैं। उस सारे बच्चों को बोला कि भैया अपनी अपनी शायरियां तैयार करो, देखते हैं कौन शायरियां कर पाता है और कौन जीतता है। अब धनिया पुदीना बेचारे बैठे थे, देख रहे थे कि लोग क्या कहते हैं, इनको तो बकैती करनी होती है ना। तो पहला नंबर आया पप्पू का और पप्पू ने शायरी बोली कि टीचर अर्ज किया है, धनिया और पुदीना मुड़ मुड़ के देख रहे थे हमें, हम मुड़ मुड़ के देख रहे थे उन्हें। सारे बच्चों ने बोला वाह वाह क्या बात है, वो देख रहे थे हमें, हम देख रहे थे उन्हें, क्योंकि परीक्षा में ना उन्हें कुछ आता था ना हमें। सारे बच्चों ने तालियां पीटी, बहुत मजा आया सबको, पर धनिया और पुदीना को आया गुस्सा। तो धनिया बोला अब मेरी बारी। धनिया ने सोचा अब मजे लेता हूँ पप्पू के। धनिया बोला सुनो क्लास वालों, अर्ज किया है पप्पू की हुई मास्टल से लड़ाई, मास्टल ने की पप्पू की पिटाई, पप्पू का गलम हुआ खून, गया कब्रिस्तान और मास्टर जी की फोटो टांग के लिख दिया कमिंग सून। मास्टर जी हो गए शौक और पप्पू की हुई सच में पिटाई। धनिया पुदीना से पंगा कोई नहीं लेता।